हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है साइड बार में फिल्टर और कैटेगरी लगाना, दूसरा है फुटर सेटअप। एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी वेबसाइट है अभी, और अभी इस वेबसाइट पे चेक करते हैं कि आपका साइड बार कैसा है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हम काम कर रहे हैं, और ये इसका साइड बार है। साइड बार में अभी आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ रही है, और नीचे अगर चेक करते हैं फुटर, तो नीचे फुटर भी हमने अभी इसका सेट नहीं किया। ठीक है, चेक करते हैं ये साइट। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए तो यहाँ पे एक तो आपका फिल्टर लगा हुआ है, सेकंड आपके यहाँ पे कैटेगरी लगी हुई है। और कैटेगरी कौन सी है? ये आपकी कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी, ना कि आपकी वेबसाइट वाली कैटेगरी, ब्लॉगिंग वाली कैटेगरी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे ये शो करने हैं, आप लगा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। और फोर्थ यहाँ पे वीडियो अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और लास्ट है आपका नीचे आपको फुटर सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। ये आपकी वेबसाइट है, इसके हम जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाएंगे विजेट्स के अंदर, ठीक है, अपीयरेंस में विजेट्स। विजेट्स में चेंज हो गया वाला भी आपका, और ये भी आपका सेटअप पूरा, इसका भी हम चेक करेंगे विजेट्स में। ओके, क्लिक करते हैं। देखिए अभी क्या है, आपका जो साइड बार है, यहाँ पे दो टाइप का साइड बार होता है। एक तो होता है आपका वोकॉमर्स साइड बार, एक आपका होता है वेबसाइट का साइड बार। ठीक है, वेबसाइट का साइड बार आप छोड़ दीजिए, इसमें आप उसका कोई काम नहीं है। हमारा मेन है इसके अंदर वोकॉमर्स साइड बार, ये आपका वोकॉमर्स का पार्ट है। यहाँ पे अभी ब्लैंक है। ठीक है, अभी लुक कैसी हमारे आइटम की, अभी लुक कैसी हमारे पेज की, अभी ये लुक है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको इसका साइड बार चेंज करना है तो साइड बार में हमें क्या लगाना है, एक तो लगाना है फिल्टर, सेकंड में लगाना है प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सबसे पहले फिल्टर। देखिए आप पेरा फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस थीम में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको अगर कोई फिल्टर कहीं पे लगाना है, आपको कोई भी साइड बार लगाना है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आपको लगाना कहाँ पे है, आपकी वेबसाइट में लगाना है, या आपके फुटर में लगाना है, या आपके वूकॉमर्स में लगाना है। ठीक है, अभी हमें कहाँ लगाना है, हमें लगाना है वूकॉमर्स में। क्लिक करेंगे सिंपल और एड विजेट, चेक करते हैं आ गया। और एक बार वेबसाइट पर जाते हैं, चेक करते हैं, क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आ गया, बहुत सिंपल है। सेकंड में लगाते हैं यहाँ पे कैटेगरी, तो यहीं पे हम सर्च करेंगे कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी, सर्च करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्लिक करेंगे, सेम वही नीचे आएंगे, वो कॉमर्स साइड में क्लिक करेंगे और ऐड टू विजिट। ये आपकी आ गई कैटेगरी। ठीक है, एक बार इसको करते हैं, यहाँ पे जाके चेक, रिफ्रेश, आ गई ये आपकी कैटेगरी, आ गई, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, फिल्टर आ गया, कैटेगरी आ गई। अब कैटेगरी की छोटी छोटी दो सेटिंग कर लेते हैं फटाफट। अब एक तो आप शो नहीं कर रहा कि इस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि किस कैटेगरी में कितने आइटम आपके लिस्टेड हैं। ठीक है, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल है, शो प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे जाके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। काउंटिंग आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे दो आपकी दो तरह की कैटेगरी है, एक तो आपकी मेन कैटेगरी, एक आपकी वर्क कैटेगरी, जहाँ पे कोई भी आइटम लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड एम्प्टी कैटेगरी, जो कैटेगरी आपकी खाली है अभी उसको हम शो नहीं करेंगे, तो उसको कर देंगे सिंपल सेव। और ये हो गया आपका बहुत ईजी तरीके से कैटेगरी वाला पार्ट कम्प्लीट, आ गया। सेकेंड है इसमें, अगर आपको ये शेयर वाले आइकन लगाने हैं, कैसे लगाएंगे और वीडियो कैसे लगाएंगे। ठीक है, दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड के विजिट पार्ट में। विजिट पार्ट में हम सर्च करेंगे सोशल आइकन, और एक आपका सोशल शेयर। ठीक है, क्या लगाना है आपको, सोशल शेयर, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे वूकॉमर्स और एड विजिट, आ गए।
अब यहाँ पे देखिए क्या सेटिंग है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब पे टिक लगे हुए हैं, बट हमें सारी नहीं चाहिए, तो जो हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है उनको कर देंगे यहाँ से अनटिक। ठीक है, हमें केवल चार चाहिए। ठीक है, और सिंपल करेंगे इसको सेव, चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके। देखिए आगे आपके सोशल शेयर, अगर आपको और लगाने हैं तो आप यहाँ पे जाके उस पर टिक लगा देंगे, या तो आपका वाला भी यहाँ पे शो हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, सेव। अच्छा, अगर आपको इनका कलर चेंज करना है, डिजाइनिंग चेंज करनी है, तो सिंपल यहीं पे आपके ऊपर यहाँ पे पूरी सेटिंग है इस टाइप से। आपको जो भी इनके कलर सेट करने हैं, इनका बॉर्डर सेट करना है, आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ से बंद करते हैं, ये आपको हो गया सेव। हमारा लास्ट है इसके अंदर वीडियो, चेक करते हैं, यहाँ पर सर्च करेंगे वीडियो। ठीक है, क्लिक करेंगे सेम वही वूकॉमर्स एड विजेट, और ये आपका यहाँ पर आ गया वीडियो। सिंपल आ जाएंगे, क्लिक करेंगे ऐड वीडियो, और अगर आपको वीडियो अपने सिस्टम में, अपनी वेबसाइट में, सर्वर में ऐड करनी है तो आप सिंपल कर लेंगे अपलोड। अदरवाइज अगर आपको खाली यूआरएल डालना है उसका, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल, जैसे आपने वहाँ कर दिया एलिमेंटर में, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे वीडियो का यूआरएल। ये आपको यहाँ पर कॉपी यूआरएल, और इसको कर देंगे ऐड टू विजिट, सिंपल। चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश करते हैं। दोबारा जाते हैं, इसको सेव नहीं करा हम लोगों ने, सेव करते हैं इसको, और यहाँ जाकर इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। ये देखिए ये आपका आ गया यहाँ पे वीडियो। ये सिंपल आपका था साइड बार ऐड करना। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं इसका फुटर। ठीक है, फुटर ऐड करने के लिए दोबारा जाएंगे विजिट्स में ही, और विजिट्स में इसको करते हैं पहले वो कॉमर्स वाले, इसको बंद क्लोज करते हैं। अब देखिए फुटर वाले ऑप्शन आपके यहाँ पे शो कर रहा है, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर, और आपका फुटर वन। ठीक है, पहले तो आपको देखना कि आपको फुटर में कितने ऑप्शन आपको ऐड करने हैं, तीन रखने हैं, चार रखने हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है, विजिट साइट करते हैं, अभी यहाँ पे फुटर में हमने रखे हैं तीन ऑप्शन। ठीक है, तो क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट आपको शो कर रहा है विजिट्स में चार ऑप्शन इस टाइप से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिलहाल अभी हम लेते हैं यहाँ पे तीन फुटर, अगर आपको करना है चार, आप चार रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। हम जाते हैं सिंपल वेबसाइट के सेटिंग वाले पार्ट में, कस्टमाइज में। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे कस्टमाइज, आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब कस्टमाइज वाले पार्ट में आप चेक करेंगे यहाँ पर फुटर कहाँ पे है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका ये है फुटर विजिट। ठीक है, कस्टमाइज वाले पार्ट में फुटर विजिट पर क्लिक करेंगे, ये आपका फुटर विजिट, क्लिक करा, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी आपके पास शो कर रहा है फोर कॉलम्स, इसको हम कर देंगे तो थ्री कॉलम्स। ठीक है, और कर देंगे सिंपल पब्लिश, ये आपके कॉलम की सेटिंग हो जाएगी फुटर की तीन। अगर आपको रखने हैं पाँच, चार, तीन, दो, एक, जो आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फुटर के नीचे आइटम्स रख सकते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पे दोबारा, इसको करते हैं रिफ्रेश। इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे फुटर की सेटिंग। फुटर में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो कॉन्टेक्ट इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं विजिट में जाके कॉन्टेक्ट इन्फो। ये आ गया टॉप पे एकदम, क्लिक करेंगे, क्लिक करके फुटर वन में इसको करेंगे ऐड, और सिंपल कर देंगे यहाँ से इसको ऐड विजिट। ये देखिए आप आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर चेक करते हैं इसको, यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना हो, ये टेक्स्ट यहाँ से हटाते हैं और सिंपल यहाँ पर रखते हैं आपका एड्रेस, एड्रेस में एड्रेस,
और आपका ये एड्रेस बाय डिफॉल्ट है, अगर आपको जो भी एड्रेस चेंज करना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। हम सेट करते हैं दिल्ली रोहिणी, और आपका फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर ऐड करना हो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। मोबाइल नंबर इसको यहाँ से करते हैं ब्लैंक। ठीक है, जो आपको ऑप्शन रखना हो रखेंगे, जो नहीं रखना उसको यहाँ से कर देंगे सिंपल ब्लैंक। फैक्स नहीं रिक्वायरमेंट है, हटा देंगे इसको। ईमेल ऑप्शन आपको रखना है, रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं यूआरएल ईमेल का, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपनी ईमेल। ecreatorcourse@gmail.com, और अगर आपको यहाँ पर कोई लिंक लगाना आप लगा सकते हैं, और बाकी वेबसाइट हम रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, इसको हम करते हैं फिलहाल ब्लैंक। चेक करते हैं एक बार, इसको करते हैं यहाँ से नीचे आके सेव। स्काइप भी यहाँ से हटाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, उसको करते हैं सेव। एक बार चेक करते हैं फुटर हमारा कैसा बना, अभी ब्लैंक है, रिफ्रेश करेंगे। ये आपका फुटर आ गया। आपको अगर यहाँ पे वेबसाइट बढ़ानी है, ऐड करनी है वेबसाइट, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल जाइए वेबसाइट में, और वेबसाइट में जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल और अपना पूरा जो भी आपको बाय डिफॉल्ट सेट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसको करते हैं बंद। अब ऐड करते हैं इसके अंदर हम सेकेंड फुटर। सेकेंड फुटर क्या है हमारा, ये क्या आपकी कैटेगरीज। ठीक है, एक बार जाते हैं यहाँ पे, देखो उसकी सेटिंग में क्या है कि अगर आपको कैटेगरी ऐड करनी है कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ कर सकते हैं आप कस्टम लिंक में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कस्टम लिंक्स, ये आपका ये रहा ऊपर ये टॉप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे फुटर टू में, और ऐड करके यहाँ पे करेंगे ऐड विजिट। आ गया फुटर टू आपका। अब फुटर टू में आपको क्या चाहिए, आपको आपको यहाँ पे कितने लिंक लगाने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी आप सेटिंग करेंगे यहाँ पे आपकी उतनी सेटिंग हो गए, आपके उतने नीचे ये बन जाएंगे सेक्शन इस टाइप से। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे आपका लगेगा टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे जो URL डालने हैं किस चीज़ के डालने हैं, अपनी कैटेगरी के या अलग अपने पेजेस के या अदर वेबसाइट के। हम यहाँ पे ऐड करते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे वॉल पेंटिंग। ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर देंगे उस पेज का URL। अभी सिंपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ हैश सेकेंड। गुड हैश एंड सेव। गर्ल हैश मॉडर्न आर्ट एंड हैश, हो गया सेव। सेव करते हैं, अब एक बार इसको चेक करते हैं जाके रिफ्रेश करके यहाँ पे रिफ्रेश। ओके, आ गया सेकंड फुटर आपका। अब चलते हैं थर्ड फुटर में, हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे, हमने आपके शेयर लिंक्स और आपका कुछ इमेजेस। अब जाते हैं इमेजेस पे, और एक आपका था शेयर लिंक्स, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले शेयर लिंक्स। अभी इस फुटर को करते हैं यहाँ से बंद, फुटर नंबर 3 आएगा हमारा। ठीक है, सोशल आइकन्स और सोशल शेयर क्लिक करते हैं, और फुटर 3 पे क्लिक करके इसको करते हैं ऐड विजिट। आ गया, देखिए बाय डिफॉल्ट आपके सब पे टिक लगे हुए आ गए, आपको जो रखना रखेंगे, बाकी फिर सिंपल वही जैसे आपने पहले किया था टिक हटा देंगे। ठीक है, सिंपल सेव करेंगे, एक बार चेक करते हैं रिफ्रेश। आ गया फुटर 3 आपका, और अभी यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक वीडियो, या हम ऐड करते हैं यहाँ पे इमेजेस। तो सिंपल जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज, और यहाँ पर हम जाएंगे इमेज गैलरी के अंदर।
ये आपका आ गया गैलरी। बराबर में एकदम क्लिक करेंगे एड विजेट, एड इमेजेस, और यहाँ से हम ले लेंगे मल्टी इमेजेस। जैसे कि सपोज कीजिए मैं लेता हूँ एक ये इमेज, कंट्रोल क्लिक करके साथ में मैं लूँगा इसके अंदर ये इमेज, और एक हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसको और करते क्रिएट गैलरी। ओके इंसर्ट गैलरी, बहुत इजी है, इसको कर देंगे सिंपल सेव। ये देखिए बन गया एकदम परफेक्ट आपका फुटर। इसमें आप चाहे तो ऑप्शन एक और बढ़ा सकते हैं, चार फुटर डाल सकते हैं, मैंने फिलहाल आपको इसमें भी तीन फुटर ही ऐड करके दिखाए हैं। और प्लस आपने क्या करा, आपने यहाँ पे वीडियो ऐड करा, आपने शेयर आइकन ऐड करे, और आपने कैटेगरी लगाई, आपने फिल्टर लगाया, ये हो गया आपका पूरा पेज का सेटअप। और अगर आपको इसकी सेटिंग में एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इसका ग्रिड ऐसे चाहिए कि इस टाइप से शो करे, तो इस टाइप से आप इसको सेटिंग करके छोड़ सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको इस टाइप से शो करेगा, अगर आपकी सेटिंग इसकी इस टाइप से करते हैं तो उसको इस टाइप से शो होगा, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट को शो करना है। ठीक है, ये था वीडियो हमारा सिंपल। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, इस वीडियो में हमने कवर किया एक तो आपका साइड बार, उसमें हमने लगाया फिल्टर, हमने ऐड करा कैटेगरी को, साथ में हमने आपका फुटर सेटअप किया, फुटर सेटअप में हमने विजेट लगा के अपने पूरे फुटर की सेटिंग करी। ठीक है, ये था वीडियो हमारा एक वेबसाइट को कंप्लीट करने का। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे करीब 6 पॉइंट्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।